भाई ये देखो गरम गरम पानी निकल रहा है भाई साहब। इस पता नहीं क्या गरम पानी का राज क्या है। कैफे और होटल है ना वहाँ पे, इंडियन का अलाव नहीं करते यहाँ पे। सही में भाई यहाँ पे देखो कुछ बॉइल हो रहा है, ये पता नहीं क्या है। आई थिंक शायद चावल ऑल बॉइल हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी ये देखो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ। सच में गिर मत जाना बस। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे भाई। तो भाई अपन अभी है कसौल में, कल अपने जर्नी स्टार्ट करी थी मनाली से और फ्यूल भूखे उड़ के आ गए थे हम कसौल। कसौल में अपने को फ्यूल अभी तक नहीं मिला है और अभी भी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि समझौता तो हो गया है, फ्यूल अब मिल जाएगा। बट अभी पता नहीं यार, गाड़ी में फ्यूल बहुत कम बचा है, गाड़ी नीचे खड़ी है। बाकी हमने यहीं रोड पे बगल में एक स्टे ले लिया था। और भाई यहाँ के हैं प्यारे से नज़ारे भाई, ये देखो भाई नीचे भाई कैंपिंग हो रखी है मस्त वाली। इस तरफ देखो धूप पड़ रही है, इधर पहाड़ है, उधर नीचे से रिवर जा रही है। अब प्रॉपर अभी हम कसौल में नहीं है, कसौल से हम 2-3 किलोमीटर पहले ही हैं और इधर आगे कसौल आएगा, मणिकरण आएगा। तो भाई आज का प्लान कुछ ऐसा है कि भाई पेट्रोल तो लेना ही है, गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, सिर्फ एक ही स्टिक है। अब एक स्टिक में पता नहीं कितनी गाड़ी जा पाएगी कितनी नहीं जा पाएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट अब इतनी दूर आ गए हैं तो मणिकरण और कसौल जरूर घूमेंगे। तो अपन यहाँ से जा रहे हैं मणिकरण और कसौल घूमने के लिए, वो घूमते हैं उसको निपटाते हैं, उसके बाद फिर वापस हो लेंगे। जहाँ भी पेट्रोल मिलेगा वहाँ से पेट्रोल भरा लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। बाकी भाई कल ड्रोन के लिए बात हो गई थी तो भैया ने वो ड्रोन संभाल के रखा हुआ है, तो हमें मनाली फिर से जाना पड़ेगा वो ड्रोन उठाने के लिए। बहुत हेडेक है भाई, बहुत हेडेक है। और चलो अब चाय वाय पीते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी सुबह के बज रहे हैं 10। अरे देखो भाई ठंडी में कैसे घूम रही है, ठंड लग रही है, देखो भाई धुआं निकल रहा है, बहुत तगड़ी वाली ठंड है भाई। इधर तो धूप भी नहीं पड़ रही ना, फोटो के ऊपर से ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पर। बस चलो अब चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। भाई ये देखो, ये भाई जैस्मीन का तेल है और ये देखो पूरा जम चुका है। यहाँ कितनी ठंड है भाई साहब, कितनी ही ठंड है ये देखो। अरे तो प्योर भी नहीं होता तब भी देखो। तो जी ऑल सेट, पीछे बैग्स रेडी हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैग है भाई रेडी हो गए। आपको एक बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं एक बार। टाइम हो गया भाई 11 बजने वाले हो गए और ये देखो भाई, ये देखो नज़ारा देखो भाई टेंट का। बस ये फ्यूल ने थोड़ा सा वो कर दिया, नहीं तो आज यार घूमते यार बढ़िया घूमते। और ऊपर का नज़ारा देखो थोड़ा सा और इधर भी देखो। तो भाई कसौल तो फेमस है ही भाई मौज मस्ती के लिए। तो भाई जो हम करके आए रात में, आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है मनाली से, अराउंड 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ पे। बाकी उधर देखो सामने देखो, तभी जल्दी से यहाँ पे जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं गाड़ी में, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और भाई पेट्रोल मिल जाए भाई, दुआ करो। सो अपनी जर्नी आई कंप्लीट हो जाएगी, वरना अपने यार स्टक हो जाएंगे, यहीं पे स्टक होना पड़ जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं भाई। बाकी रेडी हो रहे हैं भाई सब, अरे भाई सब रेडी हो गए। और कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ आपको, इस तरफ का भी, इस तरफ का ही कुछ ऐसा है भाई। ये देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये भाई मस्ती मार रहे हैं गया। चले भाई हम जा रहे हैं, चले चलो। अरे कहाँ गए? अरे वाह सूटकेस को ले आया, वाह। तो भाई ऑल सेट, गाड़ी कंडीशन देखो भाई क्या तगड़ी हो रखी है, एकदम लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ट्रिप करके आ रही है गाड़ी।
अब फर्स्ट क्रैंक लगाते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। भाई फर्स्ट क्रैंक में ही गाड़ी हो गई स्टार्ट। डाल दो अंदर और थोड़ी देर से थोड़ी हीट हो जाने देते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। भाई एक पेट्रोल सिर्फ एक दिख रहा है, एक एक दिख रहा है बस। भाई एक जयकार लगा लेते हैं, प्रेम से बोलो जय माता दी। ये रहा कबीला कैंप। भाई यहाँ से चल रहे हैं अपन अब मणिकरण की तरफ। मणिकरण यहाँ से पास में ही है तो सोचा यार इतनी दूर हो गए हैं तो होके भी आ जाए, बाकी फिर आते समय देखते हैं कहाँ फ्यूल मिलता है। ये तो अपने अलग ही दर्द हो गया हमारे ये फ्यूल का। बस अभी चलते हैं। पूरा हिमाचल, अरे पूरा ऑल इंडिया में ऐसे। भाई बहुत तगड़ी वाली न्यूज आ रही है भाई, न्यूज चेक करो हर जगह। भाई पेट्रोल डीजल भाई हर जगह पे ऐसे ही हो रखा है। बस हम तो फिर भी चलो केयरफुल आएंगे, अपने होटल में रुक गए, जो रास्ते में गाड़ी फंसी पड़ी है लोगों की बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। वहीं देखा पेट्रोल पंप पे गाड़ी लोग खड़ी कर करके, वहीं जब आएगा तब लेके जाएंगे। तो भाई ऐसा ही है, इसलिए जब भी ऐसी जगह पे आओ ना तो भाई फ्यूल लेते रहो, हमेशा लेते रहो, क्योंकि पता नहीं भैया कभी एक क्राइसिस हो जाए। भाई मणिकरण का रास्ता कुछ ऐसा है भाई, उबड़ खावड़ रोड है भाई, तो बहुत संभल के आना। बहुत ऑफ रोड है, बहुत ज्यादा ऑफ रोड, मतलब स्पीड 20-25-30 से ऊपर जा ही नहीं पा रही है, तो बहुत संभल के आना भाई। बाकी डिस्टेंस रहेगा 6 किलोमीटर। गाड़ी में एक टायर में हवा भी कम सी लग रही है, 28 हवा है, बट चलो अभी चलते चलते ठीक हो जाएगी वो पूरी। बाकी देखो दो गाड़ियां अगर आ जा रही है ना तो बहुत मुश्किल से निकल पा रही हैं, अगर दो गाड़ी यहाँ आ जा रही है तो देख रहे हो। ये देखो भाई कितनी मुश्किल से निकल रही हैं, बस शिमला वाले सीन है सारा यहाँ पे। भाई ये देखो छोटी सी एक मार्केट पड़ गई रास्ते में अपने को, पता नहीं कौन सी मार्केट है, बट यहाँ अच्छा कसोल की मेन मार्केट है। भाई ये हमारे पीछे है ना पर्यटक हमारे साथ, ये पहले आया हुआ है तो इसको सब पता है, हमें तो नहीं पता बिल्कुल भी कुछ, बट ये मेन मार्केट है। यहाँ से आपको देखो टैक्सी वगैरह वोल्वो वगैरह सारे बुकिंग वगैरह सारा कुछ हो रहा है मस्त बिल्कुल बढ़िया से। और मतलब असली हिल स्टेशन चार्जिंग कनेक्टेड। देखो भाई कपड़े भी है यहाँ पे, बाकी पर्यटक भी है यहाँ पे और हम भी है यहाँ पे। होटल कसोल के पास पहुंच गए हैं भाई, कसोल क्रॉस करते हैं और मणिकरण पहुंचते हैं। ज्यादा ना यहाँ पे कपल्स ही दिख रहे हैं, फैमिली वाले बहुत कम ही दिख रहे हैं। एक हम ही है पागल आ गए यार फैमिली लेके, बट सब कपल्स में ही है, बट कोई नहीं फैमिली को भी तो इंजॉय करना होता है ना भाई, इसलिए। और यहाँ भाई बसें भी घुस रखी हैं, निकलती कैसे होंगी यहाँ से। वाओ 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 सो ब्यूटीफुल। भाई यहाँ पे आप देखो बाइक वगैरह भी रेंट पे ले सकते हो, इधर बाइकिंग का पीछे आया था तो वहां से भी ले सकते हो। बाकी कपड़ों की मार्केट यहाँ दिखी रही है बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे हॉस्टल और कॉटेजेस भी बहुत सुंदर सुंदर है यार, मतलब एकदम आपको फील आएगा कि हाँ आप कहीं हॉलीडे मनाने आए हो। कैंप में रुको ज्यादा। भाई सामने देखो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है भाई, क्लाउड के अंदर एकदम मिक्स हो रखा है ऊपर वाला, एक ऊपर वाला पहाड़ देखो, मैंने 3x जूम कर रखा भाई तब दिख रहा है, ये इतना सुंदर लग रहा है, मजा ही आ रहा है देख के एकदम। बट अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है सिर्फ गाड़ी में बैठे रहो और हीटर का मजा लेते रहो, बाहर मत निकलो बस। नहीं पेट्रोल नहीं, ठंड बहुत लग रही है ना भाई, ठंड। हाँ विशाल क्या कह रहे थे, यहाँ पे कसोल को ना मिनी इजराइल बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे कि कुछ कैफे और होटल है ना वहाँ पे इंडियन का अलाउ नहीं करते यहाँ पे। सही में ऐसा क्यों? ऑनर है ना वो इजराइल के होते मैक्सिमम। भाई साहब इंडिया के अंदर ओके ऐसा, इंडिया से बाहर फॉरनर से कमाओ फिर यहाँ पे लोग। वेरी बैड वेरी बैड। गोवा में तो बहुत सारे ऐसी जगह है, गोवा में तो ऐसे प्राइवेट बीच से भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। भाई देखो यहाँ सारी आग जल रही है मस्त वाली, और हम रास्ता
देखते हुए जा रहे हैं और ये ऊपर पहाड़ आ गए हैं बढ़िया बढ़िया वाले। तो भाई आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है भाई कमेंट करके जरूर बताना, और भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना भाई, क्योंकि लाइक करने से यार अपने को बड़ा अच्छा सा लगता है। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई हमारा टारगेट यही है कि हम भाई अल्टरनेट डेज पे वीडियोस को डालें जरूर, और रोड ट्रिप्स ऐसी करते रहें फैमिली के साथ। तो भाई जितने भी भाई फैमिली के साथ रोड ट्रिप्स करना चाहते हैं वो जरूर हमें फॉलो कर लें। बाकी इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा होगा, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको जो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है ना वो इंस्टा पे ही मिलती है। बाकी भाई ये पहाड़ आ गए हैं जो नीचे से ऐसे खड़े खड़े से पहाड़ हैं भाई, अलग ही लग रहे हैं भाई अलग ही। ये देखो चौक लग रहा है भाई, नीचे से हम जा रहे हैं मतलब ऊपर से ऐसे करके पहाड़ लटके हुए हैं, और यहाँ पे भाई गाड़ियाँ बड़ी नैरो रोड है ना, बड़े आराम आराम से निकालना पड़ रहा है भाई यहाँ पे गाड़ियाँ। काफी सुंदर भाई काफी सुंदर, यह मेरे को ना किन्नौर वाला सीन याद आ रहा है यहाँ पे, किन्नौर जैसे किन्नौर वैली नहीं है वहां के रोड्स भी ऐसे ही हैं। भाई लाइन से यहाँ पे टूरिस्ट खड़े हैं टेम्पो ट्रैवलर में, भाई यहाँ पे देखो बसें भी आती हैं केटीसी वाली गवर्नमेंट बसें भी सारी आती हैं। यही है भाई आ गए भाई मणिकरण साहिब, ये नीचे यही है क्या? तो भाई आ गए हैं भाई मणिकरण साहिब, और गाड़ी लगाते हैं फिर अंदर जाते हैं। साहिब और भाई यहीं कहीं पे वो देखो पानी निकल रहा है ना वो गरम गरम, शायद वही है, वही है क्या कुछ? हाँ वही ऐसे कुछ तो लग रहा है यार, पता नहीं भाई आगे चल के बताते हैं। बाकी यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, ये सबकी गाड़ी यहीं लगी हुई है रोड पे, तो हमने भी भाई यहीं गाड़ी लगा दी है, अब यहाँ से चलते हैं आगे। गाड़ी लॉक कर देते हैं भाई, चलो ठंड लग गया तुम्हें, स्वेटर पहनना है पोस्ट मणिकरण, मणिकरण का पोस्ट है भाई, पुलिस पुलिस थाना है ये भाई। यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है खीर गंगा की, जो ऊपर रास्ता जा रहा था ना वहाँ से खीर गंगा की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, और अपन अभी जा रहे हैं यहाँ से मणिकरण, तो थोड़ा सा वॉकिंग करके आना पड़ेगा यार। वो कह रहे हैं कि अगर लगा दिया है तो कोई बात नहीं, मिल गया है तो आप पैसे चल लो भाई, बड़ा इशू है पार्किंग का। ये होता है ना भाई जहाँ आपको पता ना हो ना, जो चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं फिर उसमें लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं चलो चलते हैं। बाकी भाई यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं भाई, सपोर्टिव लग रहे हैं। बाकी ये रही कार पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग यही थी भाई, ये देखो नीचे ही ये थी मल्टी लेवल कार पार्किंग। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। बाकी भाई ये हॉस्पिटल भी है इधर आस पास में, यहाँ पे देखो ना यहाँ हॉस्पिटल है, और अपने को यहीं से नीचे जाना है। ये तो रहा यहीं से कूद के चले जाए क्या? आ जाओ भाई, हमने ले लिया शॉर्टकट यहीं से कूद के आ गए, उतनी दूर से जाने से अच्छा यहीं से आ जाओ। बाकी भाई गोबर दिख रहा है यहाँ पे से बहुत सारा,
लेकिन अच्छा है, अच्छा है। और देखो वहाँ पर दिख रहा है पानी निकलता हुआ, तो गर्म पानी निकल रहा है वहाँ से। और वो है भाई गुरुद्वारा, वो यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो भीड़ है बहुत। यही है भाई, ये है देखो मनी कर। अच्छा वो गुरुद्वारा है और ये मंदिर है, ये दोनों सेम ही है। ये शिव जी का मंदिर है, ये गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारा ये लेकिन शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा चलो भाई चले मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको नज़ारा किस तरफ से। ये तो कार पार्किंग है, इधर जाना है ना गुरुद्वारा साहिब के लिए रास्ता भाई इधर से, तो इधर चलो। ये भाई इधर से जाने का, वहाँ कोई लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट भी दिख रहा है भाई, नहाने के लिए वो चेंजिंग के रूम बना रखा हुआ ना वहाँ पे। गुरुद्वारा का गेट यहाँ पे आ रहे भाई, सामने ही है आपका गुरुद्वारा। भाई साहब पानी कितना अच्छा आ रहा है, अरे वो एक वो शूट कर ले भाई। क्या भाई यहाँ से होगा ये देखिए, इधर ही भाई पानी का फ्लो कितना तेज है भाई यहाँ से, कितना तेज हो रहा है। बाकी वो है भाई देखो गर्म पानी वहाँ पे आ रहा है, देखो भाई ये देखो गरम गरम पानी निकल रहा है भाई साहब। इस पता नहीं क्या गरम पानी का राज क्या है, मेरे को लग रहा है इसमें सल्फेट वगैरह होगा इस वजह से पानी ऐसा आ रहा है। आ जाओ यहाँ पे आओ, ये हम आ गए हैं भाई मणिकरण, मणिकरण आ चुके हैं भाई। यहाँ पे सबसे जो फेमस यही है, यहाँ पे गरम पानी जो मिलता है वो है भाई यहाँ सबसे फेमस चीज़ है। देखो आप उधर देखो गरम पानी, इस तरफ भी भाई गरम पानी दिख रहा है, देखो बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर। मत्था टेकने भाई गुरुद्वारे में, बाकी भाई ये गुरुद्वारा है और अंदर जा रहे हैं। अंदर तो गर्म लग रहा है ना, अंदर तो गर्म लग रहा है। इधर चलो गलत जा रहे थे भाई, और इधर भी है स्टीम बात है भाई। ये तो ये भाई देखो गर्म पानी भाई, ये देखो सच में गिर मत जाना बस। लो मग्गा भी आया, मग्गा भी आ गया भाई, मग्गा आ गया। तो हम भी बनाए चावल बना के फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं उसको, चावल बना के खाए फिर। बहुत बहुत गर्म है भाई, अरे हाँ भाई यहाँ पे काफी गर्म लग भी रहा है, गर्म गर्म। गर्म है ना, मजा आ रहा है ना, नहा लो फिर। अरे गहरा भी होगा ना पानी, पानी कैसा आता है इसमें पानी, हाँ नीचे से आता है ना, गहरा होगा मतलब ये। अच्छा ये देख रहे हो आप यहाँ से, कुछ ये सीढ़ियाँ बनी, क्या कुछ दिख रहा है मुझे उसके बाद नहीं दिख रहा। चलो आ जाओ चले। बाकी भाई यहाँ पप्पी भी दिख रहे हैं भाई, देखो छोटे छोटे से कितने पतले हो, खाने को कुछ नहीं मिल रहा भाई भाई। बाकी अब चल रहे हैं अंदर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जा रहे हैं भाई, यहाँ से शूज वहाँ है, शूज का है भाई वहाँ पे, शूज का वहाँ पे है। तो
शूज़ वगैरह रख सकते हैं आप, ये सब शूज़ के लिए बनाया हुआ है, पूरा का पूरा प्रॉपर शूज़ रख सकते हैं। चलो भाई अभी एकदम से खाली था, एकदम से कैसे भर गया ये साहिब दर्शन। भाई इधर है गुरुद्वारा साहिब दर्शन के लिए, इधर जाना होता है भाई। दर्शन तो हो गए भाई बढ़िया से, और भाई अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है, तो मैं आपको आगे इसमें डाल दूँगा आगे। बाकी इस तरह भाई लंगर है, ये सारा लंगर है, रूम बुकिंग है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सब लंगर हो रखा है, यहाँ पे लंगर आप भी खा सकते हैं यहाँ पे आके। बाकी अपन चलते हैं नीचे, आ जाओ, ये रखना निकालना। बाकी भाई यहाँ पे सर के ऊपर रखने वाला मिल जाता है, ये लगा के कंपलसरी है भाई, वहाँ जाना होता है। बाकी अपने को मिल गया भाई प्रसाद भी, मिल चुका है सबको, दे देते हैं प्रसाद, क्योंकि हम ही दो लोग गए थे नीचे, बाकी सब नहीं गए थे, तो सबको प्रसाद तो बनता है। ये लो भाई प्रसाद खाओ। तो भाई यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मार्केट भाई, यहाँ पे आ गए ना, एक छोटा सा मार्केट है, तो उस मार्केट में जा रहे हैं, वो मार्केट देख लेते हैं कैसा है। बाकी भाई फोन रख लेते हैं अंदर, अच्छा ये भाई छोटा सा मार्केट, ये देखो भाई छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ जी भाई आप ले सकते हैं भाई, पर आप बड़ो कड़े भी शिव मंदिर है यहाँ पे भाई, क्या क्या प्रसाद भाई, यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं, मैं हो गया हूँ अंदर। हाँ भाई यहाँ पे देखो एक शिव मंदिर भी है भाई, ये देखो भाई यहाँ भी वही सीन है भाई, गर्म पानी वाला, काफ़ी सुंदर भाई, काफ़ी सुंदर, ये देखो भाई काफ़ी सुंदर। चलो आगे चलते हैं, ये सब क्या है भाई, अच्छा इसमें कुछ डाल के बॉईल कर रहे हैं। बाकी भाई शिव मंदिर है, यहाँ चलते हैं अंदर और अंदर मत्था टेक के आते हैं। बाकी यहाँ पे भाई नंदी जी और अंदर है भाई शिव जी, शिव और पार्वती जी। भाई यहाँ भी देखो गर्म पानी है, कुंड है, इधर भी कहीं गर्म पानी निकल रहा है भाई, इधर से रिवर बह रही है। बाकी ये एक बार यहाँ से परिक्रमा का लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। बाकी मैं आपको एक बार मंदिर का ओवर व्यू भी दिखा देता हूँ बाहर से, ये देखो भाई यहाँ पे नंदी जी हैं, यहाँ नंदी जी हैं और यहाँ पे भाई भगवान जी हैं यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे देखो कुछ बॉईल हो रहा है, ये पता नहीं क्या है, आई थिंक शायद चावल ऑल बॉईल हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी ये देखो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ, और यहाँ पे भाई बॉईल हो रहा है चावल। तुम भी आ गए क्या, हाँ लेकर डालेंगे हम भी। एयर गन है वीडियो नहीं बना, किसकी गंदी है वीडियो, थोड़ी आएगी फोटो आएगी, फायर कट नहीं लो, छोड़ो 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 भाई ये मिलता है प्रसाद यहाँ का, ये चावल बॉइल्ड होते हैं उसी में के, बहुत अच्छा है भाई प्रसाद। भाई हमने एक ये वाला कड़ा, एक ये वाला कड़ा ले लिया, और बाकी दो तीन चीज़ें और ली हैं। बाकी अभी बाकी सब लोग गए अंदर घूमने के लिए, वो भी थोड़ा दर्शन करके आ जाए मंदिर के, तो गए अंदर, बाकी इंतजार कर रहे हैं। बाय 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 कर दो भाई, अभी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई इनकी, अभी शॉपिंग हो रही है, अब यहाँ से चलते हैं बाहर। काफी सुंदर मार्केट है, छोटी सी मार्केट है लेकिन काफी सुंदर है।
और यहीं से जाना भी पड़ता है। अचानक से मेरा बाजू का खड़ा हो गया, वो मुझे अंदर आ गए भाई। काफी गर्म गर्म लग रहा है, मजा आ रहा है। मतलब ठंड का एहसास हो ही नहीं रहा मेरे, लेकिन स्पेक्स पे फॉग जम जा रहा है बिल्कुल तगड़ा वाला। चलो भाई चलते रहो चलते रहो। भाई लेकिन मुझको एक चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि मंदिरों में जाते हैं तो यार प्रसाद मिलता है ना, तो प्रसाद हाथ में दिया जाता है अच्छे से, बट यहाँ का मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आया कि यार यहाँ पे जो प्रसाद मिल रहा है फेंक के क्यों देते हैं यार चीज़। ये मुझे समझ नहीं आया लॉजिक। आप अगर किसी को ये लॉजिक पता है तो यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक लॉजिक क्या होता है, ये वैसे फेंक के क्यों देते हैं। हाथ में देना चाहिए ना प्रसाद, दो या कुछ भी दो हाथ में होना चाहिए, फेंकते क्यों हैं ये लोग। हाँ नंदी कानों बोल गया। अच्छा तुमने बोला रहा था, क्या बोला बता दो बता दो। फ्रेंड्स को बताओगे, व्यूअर्स को नहीं बताओगे। हाँ भाई अभी चल रहे हैं, अब पार्किंग जहाँ लगा रखे गाड़ी लेते हैं और आगे चलते हैं। सही था, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आया। तो भाई इधर से ले जाओ यार, तो हवा भी नहीं है इसमें। रुक जा हवा, ये ओढ़ते भी रास्ता है अपली साइड का। रुक जा रुक जा, बस 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 मानने का नहीं भाई, वो दाव नहीं मानने का भाई। अलग ही सीन है, लोग एडवेंचर इतना करना चाहते हैं, फालतू में टायर रगड़ रहा है वहाँ पे वो। गॉड नोज अपन गाड़ी लेते हैं लेके आते हैं। अभी लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, पैदल पैदल। हाँ कुछ खाना है, गाड़ी लगानी पड़ेगी फिर। यही यही लगा के, यहाँ जगह नहीं है ना, ले लो मांग के लो वो कर लो भाई। देखते हैं खाने कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, वो गाड़ी हट रही है वहाँ लगा देते हैं गाड़ी जाके गाड़ी। अब चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं, कुछ ढंग का ही मिल जाएगा वहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है। खाते हैं मैगी वैगी मिलेगी खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। बाकी भाई मुझे टेंशन हो रही है बड़ी पेट्रोल की, पेट्रोल नहीं मिला तो कैसे जाएंगे यार आगे, क्योंकि भाई हर जगह से न्यूज़ यही आ रही है पेट्रोल नहीं है पेट्रोल नहीं है पेट्रोल नहीं है। पता नहीं कब पेट्रोल पहुँचे यहाँ पे, थोड़ा सा मिल जाता ना पेट्रोल तो अपन चंडीगढ़ तो क्रॉस कर ही जाते हैं आराम से। रंजन ऐसे क्यों खड़ी हो, इतनी मायूसी से देख रही है बर्गर को, कम मुझे मिल जाए बर्गर। बाकी भाई अपनी चाय आ गई है, मणिकरण में चाय।